हाथ में की स्थिति जो पहले धारण करेंगे वो माला में आवेंगे। बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में काली का चित्र जो बताया है वो एकदम विकराल रूप बाबा हाँ? तो वो कौन से सोल है बाबा? जगदम्बा माँ काली रूप नहीं धारण करते आदिवासी माता। हाँ हाँ जी बाबा, जो वैष्णवी शक्ति आदि में सी त्रिमूर्तियों में हाँ? तो वो दूसरे जन्म में पुरुष चोला भी ले सकती है ना, जरूर स्त्री चोला देंगे। हाँ जी, जैसे वो जो आदि तीन माता थी, एक राधा माता थी, मैंने जो नाम दिया है तो नहीं नाम हाँ? तो वो आत्मा पुरुष चोला भी ले सकती है? नहीं, विजय माला के नहीं, कोई जरूरी नहीं कि स्त्री चोला ले, स्त्री चोला ही लेगी दूसरा जन्म लेकर, तीसरा जन्म हो सकता, तीसरा जन्म नहीं होगा बाबा। जैसे आदि में सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया है, सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया आदि में, हाँ गीता माता को क्लियर कहाँ किया, वो किसी को क्लियर नहीं किया, क्लियर नहीं किया माना तो अब क्लियर हो रहा है, नहीं वैसे चेक करके बाद क्लियर हो रहा है, फाउंडेशन तो डाला ना आदि में, फाउंडेशन तो सब बातों को पड़ गया है, तो 500 करोड़ का भी फाउंडेशन पड़ गया। गीता माता के द्वारा फिर राधा बच्चे और कृष्ण बच्चा है, गीता माता के द्वारा राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा, राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते हैं, तो ये जैसे ब्रॉड ड्रामा के अंदर आगे चल के जन्म देंगे स्थूल रूप में हा? तो दादा लेखरा जो राधा बच्ची जो आदि में हो रहे हैं तो वो तो चेंज हो रहे हैं ना लास्ट, नहीं 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 नहीं, वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती उनके लिए बोला गया है, उनको जन्म देंगे और उन्हीं को यज्ञ के आदि में जन्म दिया, ऐसे नहीं वैष्णवी को जन्म दिया, वो तो तीन मूर्तियां शिव के साथ ही आती है, उनको जन्म देने की बात ही नहीं, मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ, तीन मूर्तियों, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शंकर भी होता है, तीनों मूर्तियां साथ ही साथ, उनको जन्म कौन देगा, अरे उल्टा पलटा बुद्धि में बैठा है वो, स्पष्ट ही हो रहा है ना, जैसे दादा लिख रहा उसको, वो स्पष्ट हो नहीं रहा है, आपकी बुद्धि में ये बैठ गया है। हाँ जी बाबा, ये ब्रह्मा के जो पांच मुख दिखाए, हाँ जी तो वो सब पुरुष मुख है, हाँ जी पुरुष मुख है वो, हाँ और ऐसे जब अपन बताते हैं तो आदि ब्रह्मा में माता आती है, हाँ? पुरुष मुखी होंगे पांचों ब्रह्मा जी, नहीं थे जो यज्ञ के आदि में दो जिनकी बात कर रहे हैं वो रुद्रमाला के मड़के नहीं है, वर्तमान में भी है आदि में भी थे, रुद्रमाला के अलावा किसी और माला के बन जाएंगे क्या? तो बाबा तो ये पांच जो मुख है तो ये वही कहने जाएंगे, दो पहले के है, दो आदि वाले ब्रह्मा, दो आदि वाले और दो अंत वाले दादा और बीच में दादा लेखराज ब्रह्मा, अंत वाले आदि में थे, जो आदि में दो वही दूसरा जन्म लेकर के दूसरा दो बन जाते हैं, पांच और बीच में ब्रह्मा, हाँ ये वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी क्या मुख में, हैं वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी मुख में, छोटी मम्मी विष्णु को मुख कहा जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, बनेगा तब बनेगा, नहीं बनेगा फिर छह मुख नहीं होगा तो विष्णु हो जाएगा, नहीं छह मुख हो जाएगी तो सो का मतलब जो वो है सो वो है, दोनों संस्कार मिलके एक हो जाएगा, नहीं बाबा तुम्हारी खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो जाती है, ब्रह्मा सो विष्णु का मतलब जो ब्रह्मा के अंदर संस्कार है वो विष्णु के अंदर संस्कार बन जाएंगे, जो विष्णु के अंदर संस्कार है वो ब्रह्मा के अंदर संस्कार आ जाएंगे, ब्रह्मा रखना पड़ेगा, हाँ तो अगर तो विष्णु प्रवेश करता है क्या, विष्णु में प्रवेश नहीं कर रहा, फिर बात आके ये दूसरी प्रवेश आ रही है, क्या प्रवेश आगे दूसरी की बात आ रही है, ये तो मैं जिसके तन में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, है ना, हाँ तो ब्रह्मा ही सो विष्णु बन रहा है, ब्रह्मा सो विष्णु बन रहा है, विष्णु बन रहा है का मतलब संपन्न हो गया, उसमें प्रवेश की बात ही नहीं, नहीं तो बिना 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 प्रवेशता के संपन्नता कैसे हो सकती है, बिना ब्रह्मा संपन्नता नहीं, बिना ब्रह्मा बने विष्णु कैसे बन सकते, ब्रह्मा संपन्न है या विष्णु संपन्न है, विष्णु संपन्न है, संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बनना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है, क्या जरूरी है पुरुषार्थ की बात है संपन्न बनने की, एक बार अभी बाबा से सम्मुख डिस्कशन हुई थी हमारे खेत में, अब वो बात छोड़ो, ये बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो बात हुई थी आपने ऐसे कहा,
वो झूठ साबित करने की बात नहीं, बोलने की बात करो और क्लैरिफिकेशन की बात करो। जो शंकर का रोल होगा बाबा उसमें फिर प्रजापिता का रोल ट्रांसफर होगा तो कृष्ण की आत्मा है। शंकर का रोल ट्रांसफर मतलब उसमें घटना है अभी हाँ, हाँ। शंकर जो है वो प्रजापिता बनता है, राम की आत्मा उसमें रहती है हाँ। तो उसमें कृष्ण की आत्मा कहाँ जाएगी, उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? शंकर का क्लैरिफिकेशन दिया है शिव कृष्ण और राम जब शुद्ध पिता के रूप में पाठ बजाएगा, संपन्न रूप में पिता का पाठ बजाएगा यानी एडम आदम का पाठ बजाएगा तो वो ब्रह्मा की आत्मा माँ के अंदर संपन्न पाठ बजाएगी। संपन्न बजाएगी हाँ जी। और ये आदि में सिंध हैदराबाद जैसे था, आदि में सिंध हैदराबाद था हाँ जी, ऐसे अंत में दक्षिण हैदराबाद यहाँ भारत में है हाँ? तो ऐसा कोई मुरली में जिक्र है कि आदि में कोई फरुखाबाद था है जी? आदि में कोई फरुखाबाद था मतलब? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये बात बनाई हुई है माउंट आबू वाले धर्मगुरुओं ने। नहीं ये तो एडवांस पार्टी की तरफ से ही बात बनी हुई है। कोई एडवांस पार्टी भी इस तरह की बात नहीं, मुरली में सिर्फ छप्पन के बाद फरुखाबाद का नाम बोलना शुरू हुआ। ये जो सतीश भाई फरुखाबाद का जब सेंटर स्थापन हो गया ना तब से फरुखाबाद नाम बोलना शुरू हुआ, उससे पहले फरुखाबाद का नाम नहीं बोला गया। सतीश भाई मेहता जो आया था उसमें बीच में जो बोलती अब सतीश भाई मेहता की बात आप सुनो, इनको सुनाने की दरकार नहीं है, ये तो एक बाप के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? ये आपका नाम क्या है? राजू भाई। राजू भाई दूसरों की बात यहाँ क्यों सुना रहे? सतीश मेहता ने ये सुनाया, दशरथ पटेल ने ये सुनाया, इन्होंने नवीन भाई ने ये सुनाया, ये दूसरों ने सुनी सुनाई बातें यहाँ क्यों सुना रहे? नहीं 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 ये इसका मतलब तो इंटरेस्ट लेते हैं उन बातों में। हाँ लिटरेचर पढ़ा है तो असर पड़ेगा ना, संघ का रंग जरूर लगेगा। बोला इन्होंने जबान क्या ने कहला इन लोगों ने पढ़ा सामने भाई हैं ऐसा जरूर पड़ेगा। नहीं आए बाबा लोग कितना भी कहो कि हम तो उनकी परीक्षा लेने गए थे, सीआईडी बन करके गए थे, चाहे सीआईडी बन के जाओ चाहे कुछ भी जाओ, अगर सुनोगे तो असर जरूर पड़ेगा। तो तभी तैयार हो गया जब बाबा ने बोला कि कृष्ण की तीरी पे बहस्त दिखाई हुई है, तो कृष्ण की तीरी पे बहस्त कब से आ गई? तीरी माने हथेली, बुद्ध रूपी हथेली में का नक्शा आ गया, नक्शा आ गया माने पूरी प्लानिंग आ गई। जो सीढ़ी के चित्र में बैगर दिखाया है उस बैगर के नीचे एक किताब रखी हुई है, एक चित्र में सीढ़ी के चित्र में उसमें लिखा हुआ 5-year plan। वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की तरह। तो वो प्लान ही नक्शा है, कब आएगा नहीं, आ चुका बाबा। जिन लोगों ने भक्ति नहीं की है वो न बोले बाबा। बैगर टू प्रिंस वो बनेंगे तो उनके ऊपर भी लागू बाबा। जो बाप को जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा बच्चों को भी नंबर बार उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। बाबा ये केवल 8 के ऊपर लागू होगा या सभी? सब के ऊपर, सब प्रिंस है, टू प्रिंस। बाबा माया जो ना अच्छी देखो पहले सरेंडर होती मन बुद्धि से आधार मुंह थोड़ी या बीज रूप आती दोनों ही पहले कौन सी बीज पहले आगे जाता है कि आधार पहले आगे जाता है? बीज जाता है ना तो फिर पूछने की बात ही नहीं। बाबा यज्ञ के आज में पहले आधार मुंह माया थी या बीज रूप माया थी पहले? पहले बीज होगी ना, हाँ जी बाद में जरा थी। बाबा छोटा सा पॉइंट है, हाँ जी यूरोप में जो अटलांटिक महासागर जो बर्फ का पहाड़ है
वहाँ पे मतलब जब भी जहाँ जो आध्यात्मिक माता की बात नहीं है तो बोल रहे जो वहाँ पे जो शिप वगैरह जाती है वो जाती है वो अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, भूल जाते हो। बड़मूला ट्रेन की बात है तो वहाँ पे मतलब बाबा जैसे क्यों होता है? बड़मूला ट्रेन में कोई ऐसा अड्डा है जो अंद महासागर का हिस्सा है। कौन से सागर का? ऐसा सागर जो अंधा है और दूसरों को भी अंधा बनाने वाला, उसमें भूत प्रेतों का अड्डा है। क्या दुनिया के जितने भी भूत प्रेत है वो सारे अड्डा बना के बैठे हैं। वो वहां जहां जाते हैं गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। हाँ, वो हद का है। और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का भी है। आप जाइए, आप घर जाइए, पहले माँ को देखिए। नहीं, छोड़िए, अब ये पर्सनल बातें बात करना। क्लास आप जाइए, क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसका पाप बनता है। चुपचाप बाबा। हाँ जी बाबा, गांव में माता ने मुझे बेसिक कोर्स किया है और वहाँ पे गीता का सर नहीं है, और बेसिक कोर्स करके और वो लोग ये है कि हमें भर्ती करवा दो तो क्या करवा सकते हैं? ये कोई पूछने की नई बात रह गई क्या? जो बेसिक वाले हैं उनको पहले एडवांस कोर्स कराओ, एडवांस कोर्स करने के बाद भट्टी कराओ, भट्टी कराने के बाद अगर कोई युगल निकलता है तो उनकी गीता पाठशाल बनो। जब बेसिक नॉलेज में एडवांस में आए नहीं तो क्लास से हमें क्या लेना देना? हम क्यों उनके पीछे पड़े? अभी सतीश भाई नए वाले निकले हैं, टेलीफोन से परमिशन मिली ना इनको, ज्यादा चिंता हो रही है, क्या बात है? ब्रह्मा जी बने आपके? नहीं, भट्टी कराए थे तो परमिशन ऑलरेडी मिली हुई देते, मगर अभी तक वोट वगैरह नहीं लगा, लिखा नहीं। ये कंप्लेंट है आपकी। बैठो बैठो। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। और क्या, नारायण तो संपन्न रूप है ना, नारायण नाम कब पड़ता है? नारायण नाम तब पड़ता है जब काम होता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। नर नार आयन, नर जो है जब ज्ञान जल का घर बन जाता है। नारायण का चित्र किसमें दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो जब नर नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का घर बन जाए तो वो नारायण का रूप। उस रूप को जो ज्ञान जल का घर है उस रूप को अगर याद करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, उससे ऊंचा कोई रूप है नहीं। ये बताएं कि नारायण में सुप्रीम शिव को प्रवेशता के दर्शन नहीं मिलते? हाँ, नारायण जब संपन्न स्टेज बन जाए कोई बच्चे उसका कोई काम न रह जाए। क्या बच्चों के वो सदगति गति सदगति का वर्षा देने का काम संपन्न हो जाए तब वो ऐसी चीज बताएगी। बाबा एक तरफ बाबा कहता संपूर्ण को याद करना है। हाँ, तो संपूर्ण को याद करना है। अभी अभी जो रूप है वो तुम्हारी नजर में अधूरा रूप है, इससे ज्यादा ऊंचे हो गए, यही साबित हुआ ना। अभी, अभी, अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है, एक बात सुनो, अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है बच्चों का, उन बच्चों के बीच में सबसे तीखा पुरुषार्थी कौन होगा? क्या पिता है या ब्रह्म? ये उससे भी ऊंचा है। वाली बात है बाबा, बात आ गई, ये पढ़ रही है कि अभी अपनी डिस्कशन हो रही थी उसके दरमियान, तो मतलब बाबा ने यही कहा क्या कि अभी नीचा पुरुषार्थी है, अब मुकेश भाई ऊंचा पुरुषार्थी। बाबा मुकेश भाई वकील है, इसलिए मुख माने जो बोलते नहीं है, जो मुख होते हैं वो बोलते नहीं है, उनको कहा जाता है मुख। और ईश माना उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला ईश्वर,
माना जो मुख है उनका जो ईश्वर है जब बोलने लग पड़े तो समझो बहुत पावरफुल हो गए। अष्टदेव होंगे और तीसरी मूर्ति जो पृथक 24 के बाद होंगे प्रत्यक्ष उनके साथ होंगे जो अष्टदेव होंगे तो वो जो तीसरी मूर्ति पृथक होगी भविष्य में सात प्रत्यक्ष होंगे उसके बाद मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है आपको इसीलिए विश्व पार्टी में चले जा रहे हैं। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई होगी या तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई होगी जिसकी बुद्धि में तो वो विष्णु पार्टी में जाएगा क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ होगी या अष्टदेव प्रसन्न बाद में होगी उनके साथ होगी अष्टदेव जो है वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वो पहले ज्ञान को समझते हैं और जो तीन मूर्तियां हैं वो ज्ञान को पहले पहले समझती नहीं है उतना इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है दादियों को भी वो देने वाले कौन अष्टदेव श्रृंगार करने वाले यज्ञ के आदि में भी उन्होंने श्रृंगार किया था गुरु रत्न अभी ज्ञान रत्न से श्रृंगार करें। हाँ जी बाबा वो सुभाष चंद्र बोस का एक बार कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बंगाल के रहने वाले थे ठीक है तो पता है कि वो मतलब देश के खातिर बाबा उन्होंने मतलब किया था वो बाप का पाठ बताया जैसे भक्ति मार्ग में बापू गांधी का पाठ है ऐसे ही ज्ञान मार्ग में कोई बापू गांधी है तो वो सुभाष चंद्र बेहद के गांधी वो जो सुभाष चंद्र बोस का जो पाठ है वो ज्ञान के अंदर के साथ जैसे गांधी जी का पार्ट है वैसे सुभाष चंद्र बोस का पार्ट बाबा कैसेटों में मतलब बाबा के ऊपर वो क्लियर किया कि बंगाल बाबा जैसा पार्ट है उनका गरम दल का ब्रह्मा बाबा है नरम दल के और प्रजापिता है गरम दल का ये क्योंकि आज में भी गरम और अंत में भी इतना गरम होगा इतना गरम होगा कि गीता में लिख दिया क्या हजारों सूर्यों से भी तेज हो गए बाबा फिर उन्हीं के साथ में भगत सिंह का भी पाठ होता था वो हंसते हंसते मतलब फांसी पे झूल गए थे तो वो बाबा ज्ञान में ऐसी कोई आत्मा मतलब होगी जैसे दुनिया में जो आखिरी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होते हैं वो आत्माएं नीची कोट की भक्त किस्म की आत्माएं और जो यहाँ ज्ञान में चलने वाले हैं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं अभी आजकल के जो धर्म गुरु निकल रहे हैं जैसे आचार्य रजनीश है जैसे आसाराम बापू है मुरारी बापू है या हंसा जी महाराज है ये दुनिया का मान मर्तबा ले रहे हैं तो ये अंत वाली आत्मा है कि आदि वाली बीज रूप आत्मा है अंत वाली आत्मा है तो उनके उनको उनको उनमें कैसे मिला सकते हैं तो जैसे वो इस दुनिया में श्रेष्ठ रही उनसे उनके समान मतलब ब्राह्मणों में भी बाबा ऐसी कोई बीज रूप आत्मा होंगी उनसे क्या भी किया जाए बाबा गुरु जी ने बोला है वेश्या के घर में जो आएगा वह अपना अधिकार जमाएगा और वेश्या फिर अपने दारे चिंगारे जो वेश्या है वह मालिक बनती है इसका क्या मतलब हाँ वो जो वेश्या रही है जिनको जिनको मनुष्यों ने वैश्य बना करके रखा है स्त्री जाति को इस कलयुग के अंत में आकर के पुरुषों ने क्या बना दिया सब अबलाएं बन गई अबला माने वैश्य अबला माने जो सबला होगी सती होगी वो वैश्य होगी या पावर होगी वो पावरफुल होगी तो कलयुग के अंत में आकर के सब स्त्रियां अबला बन जाती हैं अबला बन जाती है मतलब बलहीन हो जाती है विचार के कारण बाबा ये ज्ञान के बाहर नहीं ज्ञान के अंदर ऐसी निकलेंगी जिनको व्यभिचारी बनाया गया ज्ञानियों ने व्यभिचारी बनाया एक बाप का नहीं बनाया अच्छा दूसरे दूसरों को मानवीय बनाया हाँ जी हाँ जी तो ऐसी जो है वो सबला बन जाएगी स्त्री का मिसाल दिया स्त्री में पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं है ढक
मुंह पे बोल देंगी नम पट कहीं कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले यहाँ नहीं है। जो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बुरे के बुरे नहीं है। अभी अभी जो आत्माएं दूसरे दूसरे की बात सुन रही है, दूसरी पार्टियों में जा रही है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं हुई। शंकर जी भेदभाव नहीं करते कि ये असुर है ये देवता है, वो देवताओं को भी देते हैं तो असुरों को भी देते हैं, लेकिन विष्णु जी महाराज पार्शियलिटी करते हैं, वो देवताओं को भी वरदान देते हैं असुरों को वरदान नहीं देते। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हाँ जी बताया मधुबन वाले मधुबन छोड़ेंगे ज्ञान सरोवर वाले छोड़ेंगे जब बारंट निकलता है तो आदमी सर पर पांव रख के भागता है कि ताला वाला लगाता है? हाँ जी जैसे बताया कि त्रिमूर्ति शिव को मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अकेला नहीं आता हूँ। आदि में तीन मूर्तियाँ थी। हाँ जी। फिर ये बताया कि ऐसी ऐसी बच्चियाँ थी जो टीचर बन बैठती थी, बाबा उनमें प्रवेश करते थे, क्या वैष्णवी में भी प्रवेश था? ये तो नहीं कहा कि तीन मूर्तियाँ थी बाबा उनमें प्रवेश करते थे, ये बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मामा बाबा को भी डिल कराती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, इसका मतलब दो में प्रवेश करते थे, तीसरी मूर्ति में प्रवेश था कि कहीं बात नहीं आई। हाँ जी बाबा जी से बोला है कि सूर्य से निश्चित दूरी पर जीवन है। हाँ जी सूर्य से निश्चित दूरी पर मतलब जीवन है, ज्ञान में क्या हुआ इसका? सूर्य से जो निश्चित दूरी पर रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, और ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी ठहर नहीं पाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो भी नहीं ठहर पाएंगे। निश्चित दूरी पर ना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आना है क्या? हाँ जगदम्बा से ज्यादा कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा क्या? है कोई हिम्मत वाला? है जगदम्बा से ज्यादा मिलन मेला कोई बना सकता है क्या? नहीं। तो ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में कौन आई? जगदम्बा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? लक्ष्मी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो प्राप्त हो पाता है? माने बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा अनिश्चय बुद्धि होती है। के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बहुत भारी होती है। बिल्कुल। हो सकता है कि छिलका होता है के लिए ये बल्डिंग बाबा मुंडी में बोल हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अनुमान से तो नुकसान होता है, अनुमान क्यों लगाना? एग्जैक्ट बात बोलो ना। हाँ जी बाबा, जैसे कि बाबा मुरली ने कहा कि बाबा बच्चों का छिलका उतारने का भी मतलब वो क्या बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाएंगे बाबा छिलका उतारता है बच्चों का? बाबा उतारता है? नहीं ऐसे ज्ञान बाबा नहीं उतारता है, धर्मराज उतारता है। बाबा तो प्यार का सागर, वो नहीं छिलका उतारता है। आप छिलका अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतारे, अगर अपने पुरुषार्थ से नहीं उतरता है तो धर्मराज उतारेगा। हाँ जी भारत में राजनीति पार्टियों का राज मिलेगा बाबा की दिल्ली अंत में जैसे आने वाले समय के अंदर राजनीति पार्टियां देश को संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी, आध्यात्मिक मतलब बाबा का राज रहेगा माउंट आबू? राजनीतिक पार्टियां ना अभी संभाल पा रही है, ना पहले संभाल पाया और ना आने वाले समय में संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे रहते।
इसलिए संभालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली की राज सत्ता दिलाराम के हाथ में आवेगी? हाँ जी, राम राज्य आएगा तभी तो राम राज्य स्थापन होगा। प्रत्यक्षता पहले बच्चा पैदा होता है तो घर में घर वालों को पहले मालूम पड़ता है, पहले बाप को मालूम पड़ता है, फिर घर के दूसरे संबंधियों को मालूम पड़ता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर जनपद वालों को पता चलता है, ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी को बोलने दो। जैसे कहते हैं कि भट्टी करना माने इंसल्ट होना, इंसल्ट होना डबल से भट्टी, जैसे वहाँ जैसे विष्णु पाठी ज्ञान सुन लिया उन लोगों ने कहा तो भट्टी करेंगे तो इंसल्ट कहलाएगी, इंसल्ट। हाँ। गलती हुई तो बाप माफ कर देगा, भट्टी करने से इंसल्ट नहीं होगी, इंसल्ट बच्चे गलती करते बाप माफ कर, इंसल्ट कर रहे हैं हमारे, भट्टी करने से इंसल्ट होती है नहीं होगी। और ये भी कह रहे हैं भट्टी करने से इंसल्ट नहीं होती है, माफीनामा लिखने से इंसल्ट होती है। तो वो यही कह रहे हैं भक्ति करना इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट है वही, फालतू बात विद्युता क्यों जाड़ते हो बाबा। ये मतलब ये कह रहे हैं कि संगठन में बुलाते नहीं है, बुलाए तो हम आए, तो क्या कह रहे हैं बाबा आप? ये कह रहे हैं जैसे संगठन होता है हर 15 दिन में, कौन किससे कह रहे हैं? लोगों ने सुना गया हम ही को, जैसे कहते हैं कि आप लोगों ने बुलाया नहीं हमें जैसे संगठन में, लोग लोग द्रौपदी माता से बोलते हैं, लोग मतलब सभी हैं जितने सीहोर में गए हुए हैं। हाँ, सभी सीहोर में, मैं भी गया सीहोर में। अभी जो क्या सुना बाबा है? अभी जो उन लोगों ने, एक बात पक्की करो, कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो मतलब हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं ना दोष कि ये लोग, लगाने की बात नहीं, पक्की कर लो एक बात कि कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? प्यासा जो है कुएं के पास जाएगा। अगर कोई ज्ञान का प्यासा है, प्यास बुझी नहीं है, क्या बाप अभी मिला नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है, तो किसी से कहेगा कि हमको समझाओ, तभी तो कहेगा। इसका मतलब प्यासा है तभी तो प्यास बुझाने वाले के पास जा रहा है। हमें बुलाया नहीं है, मान 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 मर्दवा होगा जी। सीहोर में जो संगठन हुआ था, हाँ, उसमें आत्मा विष्णु पार्टी की तरफ चली गई थी। हाँ, उन आत्माओं को मतलब हम लोगों ने अलग से नहीं बुलाया। हाँ, तो बाबा की श्रीमत हमें मिल गई थी ईमेल द्वारा। हाँ, तो उनको अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी भाई, जैसे बाबा का संगठन होशंगाबाद में क्लियर हो गया था, ये सीहोर में संगठन होगा। हाँ, तो जो आत्मा सबको क्लियर हो गया सबके बीच में, तो उन सबको बुलाया था, अलग से निमंत्रण देके बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ, बुलाया नहीं हमको, नहीं तो हम आते क्यों? बुलाया बुलाया, जिसको बुलाया जाता है उसको मान मर्तबा दिया जाता है, तभी तो बुलाया जाता है। बुलाया किसको जाता है? शिव बाबा, रुको रुको, शिव बाबा इस दुनिया में आके मान मर्तबा लेने की इच्छा करता है? नहीं करता है। और ब्रह्मा बाबा हैं? ब्रह्मा बाबा को देह है, तो जो देहधारी होते हैं वो इच्छा करते हैं कि हमको मान मर्तबा मिले, तो ब्रह्मा बाबा की इच्छा है, माने सब बच्चों की इच्छा होती है मान मर्तबा मिले, बस ब्रह्मा की इच्छा, तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी मान मर्तबा की इच्छा, लेकिन जो आत्मा बन गए उनको नहीं है, इच्छा ही नहीं होती। अब वो तो यही मान मर्तबा ही चाहते हैं, मान मर्तबा जो होंगे चाहने वाले वो सेवाधारी बाप के बच्चे नहीं होते, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे। तो इसलिए आज हमने, जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं होते वो दूसरे धर्म पिताओं के फिर बच्चे बनते हैं। भक्ति करें और आपसे तीखा पुरुषार्थ कर ले तो ऊंचा पद नहीं होगा क्या? अगर मगर क्यों लगा रहे? अच्छा संकल्प, संकल्प अच्छा करो ना, अगर मगर नहीं, पुरुषा पुरुषार्थ जो किया हुआ है, अगर विष्णु पार्टी में चले गए या कहीं भी पार्टी में चले गए और पांचवी मार से नीचे गिर गए, तभी तो उनका नीचा पुरुषार्थ होगा, तभी तो नीचा पद होगा। अगर गए सुन भी लिया लेकिन फैसला कुछ नहीं किया और गटर में नहीं गिरे, तो नीचा पुरुषार्थ क्यों हुआ? भले भट्टी भी कर लिए, भट्टी करने के बाद भी उन्होंने उनको निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, बच्चा बन गए, तो दो बाप हो गए, इतना साबित हो गया। एक
पाठ से जो सुनता है उस एक मत से सदगति अनेक मतों से की दो मत है तो हो गई, तो दुर्गति में थोड़ा तो गए लेकिन प्रैक्टिकल में गए या नहीं गए ये अभी पता नहीं। तो बाबा आप संकल्प मत करिए बाबा, जैसे कई आत्मा ये कह रहे हैं कि जैसे हमें निश्चय नहीं, हम जो गए सुने जो हमें निश्चय नहीं है कहाँ वहाँ जो सुना तो गए गाय के लिए पर कह रहे गए जानने के लिए कि क्या जानने के लिए गए। देखो जिज्ञासा है ना, नहीं प्यास है ना, प्यास अभी पूरी नहीं हुई ना, नहीं कुछ तो, लोग जानने के लिए गए बाबा है? कुछ लोग जो जानने के लिए गए वो अज्ञानी हुए ना, पाप के पार्ट के ज्ञानी नहीं हुए ना। और कुछ लोग जान कर गए हैं, कोई अनजान में गए हैं, कोई अनजाने में गए हैं कि मतलब झूठला दिया कि कोई भाई अनजान का मतलब है अज्ञानी अज्ञानी। कुछ मतलब ऐसे भाई बाबा के यहाँ से आया है ज्ञान सुना रहा है तो ऐसे करके सब आत्माओं को बुलाया गया है बाबा कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है। उनको धोखे से बुलाया गया ये कह के कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है वो कुछ सुना रहे हैं तो वो दूसरे दिन नहीं जाएगा, नहीं गए दूसरे दिन, वो दूसरे दिन जाएगा ही नहीं, भट्टी पूरी करेगा ही नहीं। तो जो ऐसे हैं कि एक आध दिन जाके रह गए उनके लिए भी क्या, मैं उनके लिए क्या किया जाए बाबा, कुछ उनके लिए क्षमा में गुंजाइश और है क्या? अगर उनको धोखा दिया गया है जी धोखा, तो वो नाम बताए हमको किसने धोखा दिया। हाँ तो ये नाम लेके दे, नाम वो लिख करके दे ये पोता मेल कि हमको इस व्यक्ति ने धोखा दे करके बुलाया, वो तो देंगे कहीं आज लिख करके देंगे सेशन दिया कि आप एक बाबा को लेटर लिखे याचना करें भाई आपके साथ जो घटा है आ गया, तो ये तो कहा गया है आज तो ठीक ठीक अब यार लड़ाई दिंगा न करो जो हुआ सो हुआ। अच्छा तो कोई शक है इसमें? जैसे अभी प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो विष्णु बन जाएंगे तो फिर जो शंकर का पादरी है वो भी तो वही है एक ही व्यक्तित्व है। नहीं 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 जो शंकर है जो शंकर है वो पाठधारी अलग है, जिस समय शंकर का पाठ बजाता है उस समय आत्माएं मिक्स होती हैं उसमें। क्या शंकर का जो पाठधारी है उसमें बाप का पार्ट है, सुप्रीम सोल बाप भी है, ब्रह्मा की सोल भी है और वो राम वाली आत्मा खुद भी है, तीनों का मिक्सचर है। लेकिन जब वो शुद्ध प्रजापिता के रूप में रहे, ब्रह्मा का पार्ट ब्रह्मा में जगदम्बा में बजने लगे महाकाली के रूप में, तब उसको कहेंगे प्रजापिता। जैसे कहा है कि शिव बाबा से वर्षा जगत पिता को मिलता है, हाँ शिव बाबा से वर्षा मिलता है जगत पिता को, जगदम्बा को मिलता है, जगदम्बा के द्वारा बाप वर्षा देता है सबको। हाँ बिल्कुल, याद करने को नहीं कहा कनेक्शन में, याद तो एक को करना कनेक्शन माना संसर्ग में आओ संपर्क में आओ बातचीत करो। रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं कि याद करना है, याद एक को करना है। हाँ जी बाड़ी में बोला है कि तुम बच्चों को अंत तक 8 घंटे की याद तक पहुँचना है, 8 घंटे तक पहुँचना है, 8 घंटे कर्म करना है, 8 घंटे याद तक पहुँचना, याद करना है। तो वो 8 घंटा याद है ना, कर्मी होगी है बैठ कर किस तरह की याद है, 8 घंटे मैंने 24 घंटे में टोटल मिला के 8 घंटे याद। हाँ जी बैठ कर याद है या कर्मी होगी की भी याद वो कभी मुरलियों में कभी प्रेफरेंस दिया इस बात को कि वो बैठ के याद करे, अमृत वेले भले बैठ के याद करो, कोई काम धंधा नहीं होता है, दिन भर अपना काम करो याद करो, चलते फिरते जो स्टेज रहती है याद की बिल्कुल याद करो। हाँ जी मम्मी को आह्वान करने के लिए नहीं बोला है, आह्वान करने के लिए बोला है विजय माला को, विजय माला का आह्वान करो और प्रकृति को योग का दान दो। तो बाबा जैसे देखा नहीं है तो कैसे ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि नहीं? देखा है? नहीं नहीं फोटो फोटो देखा तो मम्मी का फोटो नहीं हो सकता मम्मी का
जिसको चाह होगी वो राह निकाल लेगा, जिसको चाह नहीं होगी वो राह नहीं निकालेगा। मम्मी का फोटो देखा नहीं तो क्या? अरे मम्मी के जब गोल्डन फॉरेस्ट में फोटो दिए गए हैं और गोल्डन फॉरेस्ट जिनके फोटो दिए गए उनके बैंकों में फोटो दिए गए हैं, जिसको चाह होगा वो निकाल लेगा। हाँ जी मम्मी दोनों कंबाइंड है, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी हाँ दोनों कंबाइंड जब होंगे, दोनों कंबाइंड है मतलब दोनों स्वभाव संस्कार मिलेंगे। हाँ जी तो वो ब्रह्म वो विष्णु रूप होगा ना? हाँ जी हाँ जी दोनों का विष्णु रूप होगा। हाँ हाँ एक कड़क स्वभाव की है और एक थोड़ा मृदुल स्वभाव की है, दोनों मिलकर के एक हो जाए वही विष्णु होगा। बिल्कुल वैष्णो देवी होगी दोनों मिलेंगी तब होगा। हाँ जी हाँ जी उन्हीं का महालक्ष्मी का है, उन्हीं का महालक्ष्मी बिल्कुल। और क्या चारों आत्माओं के लिए, चारों आत्माओं के लिए विष्णु देवी जहाँ कहा जाता है वहाँ दो भुजाएं नहीं होती। हाँ जी बाबा जल वायु अग्नि आकाश के पुरुष थे कि स्त्री चेतन है, ये देवताएं नहीं है, पुरुष स्त्री की बात नहीं है, बात है आत्मिक स्थिति की, रुद्रमाला के मणके होने चाहिए, आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए। है सही बात है कनेक्शन हाँ जी ऐसा अनाउंसर भी होता है कोई कोई। हाँ मन है वो ऐसा एक भाई बोल रहे थे कि प्रकृति की हड्डी हड्डी टूट जाती है वो बैठी रहती है, प्रकृति की हड्डी हड्डी टूट जाती है। कौन भाई बोल रहा था? एक भाई बोल रहे थे, एक भाई कौन, नाम क्यों नहीं बताते, डरते क्यों? हमारे धर्मेश भाई बोल रहे थे। धर्मेश भाई इनको किसी ने बताया क्या? बैठे बैठे वो हड्डी वगैरह होता है ना टूटने वाला, हाँ वो टूट जाती है। तो आपने इनकी सुनी सुनाई बात में विश्वास क्यों कर लिया? विश्वास नहीं किया बाबा, वो सुनी सुनाई बातें सभा में क्यों सुना रहे? सुनाई बातों से भारतवासियों दुर्गति पाई है याद है? बाबा से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? सुनी सुनाई बातें हैं उन पर विश्वास ही मत करो। क्यों विश्वास कर रहे हैं? और सभा में फैला रहे फालतू बात। हाँ जी बोला है कि मामा के लिए बोला है कि वही बच्चे बजरमाला का आह्वान कर सकते हैं जो सब। हाँ देखो तीन की जगह सात बज रहे हैं और तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, एक घंटा डिस्कशन करने की परमिशन थी। हाँ जी